वीडियो में मैं शुरू करने वाली हूँ CSR नेट JRF IT जैम गेट एग्ज़ाम के सिलेबस को कंप्लीट करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करूँगी आपका रीएनालिसिस से, क्योंकि इसका जो मार्क्स रहता सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहता है, ठीक है। और मैं आज अपना लेक्चर 1 स्टार्ट कर रही हूँ। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूँगी, आप उसको पूरा मेरे साथ पढ़िए। आपके कॉमेंट्स को पढ़ूँगी, आपके क्वेश्चन को देखूँगी, नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के लिए, कैसे डील करना है, कैसे सोचना है। और प्लस चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर को। हर चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं अपने लेक्चर में बताने जा रही हूँ, आप मेरे साथ उसको नोट्स बनाइए या फिर आप समझने की कोशिश करिए। मेरे लेक्चर्स को बार बार सुनिए जब भी आपको प्रॉब्लम हो, और क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर बताना, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सेट्स से। तो सबसे पहले तो सेट बोल रहे हैं, तो इससे ये समझ लेते हैं कि सेट होता क्या है, हम लोग सेट बोलते किसको हैं। तो बोल सकते हैं कि कोई भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो किस चीज का, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। कोई भी कलेक्शन हो ऑब्जेक्ट्स का, जो कि बहुत तरीके के ऑब्जेक्ट्स हो, उसके कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइंड हो, यानी कि उस कलेक्शन का कोई भी सेंस हो। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हम एक सेट ले लेते हैं नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में आपको सेट में पता है क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड 1, 2, 3, 4 ऐसे सेट होगा। आपको एक रैशनल नंबर का सेट होगा, उसी तरह इरैशनल नंबर का सेट होगा। लाइकवाइज रियल नंबर का एक सेट होता है जो कि वेल डिफाइंड है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं सेट में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का एक सेट होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक कलेक्शन है जो कि है वेल डिफाइंड है, जिसका कोई मतलब है, ठीक है। इसको हम सेट बोलते हैं। एक तरह से इसको ऐसे भी सेट दिखा सकते हैं कि एक सेट है जो एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर पे, ठीक है, एक्स बिलोंग कर रहा रियल लाइन पे, और उसका कंडीशन है कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इस कलेक्शन में कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, पहले तो आपका एक्स कहाँ से होना चाहिए, रियल लाइन से, रियल नंबर से, और उसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा। तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, बट ज़ीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो उसका स्क्वायर। तो इस तरह से एक सेट बन जाएगा हमारा। तो ये क्या बोले, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेट हम लोगों ने इतना समझना है क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। अब बात आई जैसे सबसेट की, सबसेट बहुत ही बेसिक, हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है। एक कोई भी एलिमेंट ले, जैसे 1, 2, 3 एक फाइनाइट लेके समझ लेते हैं, इसका सबसेट लिखना है। तो जो इसका सबसेट होगा वो इसी का एलिमेंट होगा और इसी में बिलोंग करना चाहिए। तो 1, 2, 3, 1, 2 कलेक्शन बना लेंगे, एक हो जाएगा 1, 3, एक हो जाएगा 2, 3 और एक हो जाएगा सेट इट्सेल्फ, तो 5। तो इसके कितने टोटल सबसेट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 5 भी क्या होता है, एक इसका सबसेट होता है, तो इसको लिख लेंगे। अब समझते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट। क्या पावर सेट क्या बताता है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। इसी सबसेट का जो कलेक्शन होगा 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3 और 5, ठीक है। इन सब का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, ये डिनोट करता है कैसे, 2 to the power n। n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे इस सेट का हमने क्या निकाला, इसको चलिए डिफाइन कर देते हैं कैपिटल X। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, देन हम लिखे 2 to the power 3, 8, यानी कि 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके पावर सेट में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं 8 सबसेट्स होंगे इसके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने सेट पढ़ लिया, अब हम लोग समझेंगे कि सेट को बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका, क्या समझते हैं हम इससे, सेट बाउंडेड अबव, सेट को बाउंडेड अबव कब बोलेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक डेफिनेशन में लिख रही हूँ, कोई भी सेट हम लोग ए मान लेते हैं, कोई भी सेट है उसको हम लोग कोई ए मान के चल रहे हैं, और क्योंकि रियलाइसिस में पढ़ रहे हैं तो ये सबसेट होगा किसी रियल लाइन पे, ठीक है।
उसको क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी सेट बाउंडेड एवव। अगर कोई भी हमें एक एलिमेंट मिल जाए स्मॉल के, समझ लीजिए जो कि बिलोंग करेगा ऑब्वियसली रियल लाइन पे, इस तरह से जो x होगा वो क्या होगा, या तो k के बराबर होगा या तो k से छोटा होगा। और ये x क्या है, एलिमेंट है सेट A का। चलिए इसको मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे एक रियल लाइन ले ली, क्योंकि हम लोग रियल लाइन पे ही सारी बातें कर रहे हैं। हमारा कोई भी सेट एक बन रहा है यहाँ पे, सपोज डैट इस सेट का हमने नाम ले लिया है A। यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स है A के, ठीक है। अब इस सेट को बोलेंगे ये बाउंडेड एवव है। अगर हमें कोई एलिमेंट मिल जाए यहाँ पे के, जो कि, और इसके जो एलिमेंट्स, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एक्स से, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, उसको हमने एक्स से डिनोट कर देते हैं, जो कि दिखा रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है किस में, सेट में। तो ये जो एलिमेंट है के या फिर इक्वल होंगे या फिर उससे छोटे होंगे, ठीक है, क्योंकि के यहाँ पे है और एलिमेंट हमारा यहाँ पे है। तो के इसके बराबर होगा ये एक्स या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो के हमारा क्या बता देगा कि ये बाउंडेड एवव कर रहा है, इसको बाउंड कर रहा है, ठीक है। चलिए तो ये बात अगर आप समझ गए, तो इसे तीन चार चीज़ और चीज़ रिलेटेड हैं कि इतना हमने समझ लिया, तो आप ये भी समझ सकते कि के को क्या बोल सकते, इस सेट का अपर बाउंड, ये बाउंड कर रहा है तो इसको क्या बोल सकते, अपर बाउंड है ये, के एलिमेंट क्या है, अपर बाउंड है। यानी कि अगर के से बड़ा कोई एलिमेंट हो, जैसे हमने के डैश मान लिए, सॉरी के से बड़ा ना, तो ये ग्रेटर हो जाएगा, के डैश अगर बड़ा है के से, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा सेट ए के लिए। मतलब के से जितना भी बड़ा एलिमेंट चूज करते जाएंगे इस साइड, वो सब इस सेट का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। यानी कि इसके लिए इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो जाएंगे अगर ये बाउंडेड अबव है तो, ओके, इन्फिनाइट नंबर ऑफ हो जाएगा। के हो सकता है के में प्लस वन और कर दीजिए तो वो भी अपर बाउंड, के में प्लस टू और कर दीजिए तो ये भी अपर बाउंड, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स मिल जाएंगे। आप बाउंडेड अबव अच्छे समझ लीजिए, आपको बाउंडेड बिलो तो इसको जस्ट थोड़ा वो चेंजेस करना, तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट्स में मैं लिख देती हूँ कि अगर कोई के डैश ऐसा मिल जाए जो कि ग्रेटर है के से, वो भी क्या हो जाएगा, इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट ए। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, अगर वो बाउंडेड एवव है, अगर बाउंडेड एवव है सेट, ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, उसके पास क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड। मैंने अभी समझाया, अगर के अपर बाउंड है तो उससे और बड़ा लेते जाएंगे सारा क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड, तो उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर वो अपर बाउंड है ही नहीं, अगर वो बाउंडेड एवव है ही नहीं, तो नंबर ऑफ अपर बाउंड्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बाउंडेड एवव ही नहीं तो अपर बाउंड भी नहीं मिलेगा कोई भी, ठीक है। चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल लेने से मैं बेहतर समझती हूँ। सबसे पहले हम लोग डील कर लेते हैं बाउंडेड सेट बाउंडेड बिलो से भी, ठीक है, एक ही बार में दोनों हो जाएगा, फिर मैं एक एग्जाम्पल्स लूँगी और दोनों को समझा दूँगी, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा, कोई भी सेट ए है जो कि अगेन सबसेट है रियल लाइन पे, उसको क्या बोलेंगे, इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, अगर इफ, अब हमें अगर ऐसा एलिमेंट एक कैपिटल के मिल जाए जो कि बिलोंग करेगा ऑब्वियसली आर में, ठीक है, इस तरह से कि इस सेट का सारा एलिमेंट के से क्या हो, बड़ा हो, के से सारा एलिमेंट बड़ा हो, इस बार इसके से एक्स मतलब जो कि एलिमेंट किसका है ए का, वो एलिमेंट सबसे बड़ा हो या फिर के बराबर हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। डायग्राम से कैसे समझेंगे, रियल लाइन लीजिए, हमने कोई सेट ए ले लिया है, इसको मान लिया, इसमें एलिमेंट जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, एक्स है। यहाँ पे अगर हमें कोई कैपिटल के मिल जाता है, कैपिटल के मिल जाता है, तो ये क्या, के क्या होना चाहिए, इसके सारे एलिमेंट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस के बाद फिर यहाँ पे कुछ लेंगे रियल लाइन में, इधर जाते जाएंगे हम लोग तो और छोटा मिलते जाएगा और छोटा होते जाएगा रियल लाइन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा,
लोअर बाउंड हो जाएगा, तो उस टाइम पे के हमारा क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि इस के से इस सेट के सारे एलिमेंट्स बड़े होंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। अब के में माइनस वन लेंगे, फिर माइनस टू करेंगे, ये और छोटा होता चला जाएगा, और इसके कितने नंबर ऑफ लोअर बाउंड मिल जाएंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स मिल जाएंगे, जैसे कि हमने अपर बाउंड में देखा था। तो इसमें ये भी पॉइंट हमने रेज कर दिया है, अगर के है और के से छोटा एक के डैश मिल जाता है, एक और एलिमेंट मिल जाता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा सेट ए का। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो जाएंगे, और बाउंडेड बिलो होगा ही नहीं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स तो दूर की बात है, लोअर बाउंड भी नहीं होगा उसका, ठीक है। चलिए तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाती हूँ, यहाँ पे हम लोग एक लेंगे सेट का कॉलम, ये लेंगे कि बाउंडेड अबव है कि नहीं, बाउंडेड बिलो है कि नहीं, ठीक है, और इसका अपर बाउंड क्या होगा और इसका लोअर बाउंड क्या होगा, ठीक है, ये हमने कॉलम बना लिया है। चलिए पहले सेट में लेते हैं कि अगर फाई है, नथिंग, इट्स एम्प्टी, तो एम्प्टी सेट से कोई भी एलिमेंट अगर बड़ा लेंगे, जैसे सपोज मैंने वन ले लिया, ठीक है, तो उसका अपर बाउंड हो जाएगा, खाली से कुछ बड़ा तो बड़ा है ना, तो ऐसे वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट लेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसको बाउंड करेगा, तो उसका अपर बाउंड एक तरह से क्या हो जाएगा, पूरा रियल लाइन, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ लिख देते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे कि ये बाउंडेड अबव होगा। अब इस एम्प्टी से हम लोग कोई एलिमेंट छोटा ले लेंगे, ठीक है, इस एम्प्टी से कोई भी एलिमेंट हम छोटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बाउंडेड बिलो भी हो सकता है, ठीक है, जैसे माइनस वन ले लिया हमने, टू ले लिया, माइनस टू ले लिया, माइनस थ्री ले लिया, वॉट एवर, तो ये बाउंडेड एवब भी है, बाउंडेड बिलो भी है, इसका अपर बाउंड क्या है, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल लाइन, इससे बाउंडेड एवब है, वन लो, टू लो, थ्री लो, वॉट एवर, माइनस टू लो, माइनस थ्री लो, नथिंग से तो कुछ भी बड़ा और छोटा हो सकता है, और लोअर बाउंड भी पूरा रियल लाइन है, ठीक है। अब ले लेते हैं एक सिंगलटन सेट ए, अब इस सेट में सिर्फ कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो इसको सेट को क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट, ठीक है। अब इस सेट से एक एलिमेंट लेना है, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि इस सेट का एलिमेंट या तो बराबर हो उस एलिमेंट के, या फिर उससे छोटा हो, बाउंडेड एवर को यही डेफिनेशन था, तो एक एलिमेंट जो इससे बड़ा हो या फिर छोटा हो, तो बराबर कौन हो सकता है, ए एक एलिमेंट हो सकता है। अब ए से बड़ा जो भी एलिमेंट लेंगे सबको क्या करेगा, इसको बाउंडेड अबव करेगा, ए है, ए प्लस वन हमने ले लिया सपोज डैट, तो वो क्या होगा, ए से, ए उससे छोटा होगा, और ए प्लस वन क्या हो जाएगा, उसका अपर बाउंड, तो ये बाउंडेड अबव तो है, क्या ये बाउंडेड बिलो है। अब ए ले लिया, ए में से एक घटा दिया हमने, तो ए में से एक, चलिए ए माइनस वन लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा वो, उसका लोअर बाउंड, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिससे उस सेट का एलिमेंट क्या है, बड़ा है, तो ये बाउंडेड बिलो भी हो गया। अब आप लिखेंगे अपर बाउंड में इसमें क्या क्या आएंगे, तो अपर बाउंड में आएंगे ए खुद, और ए से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं सब इसके क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स, जैसे कि ए टू इन्फिनिटी, ए से लेके पूरे रियल लाइन में इन्फिनिटी तक जाएंगे सारे अपर बाउंड्स होंगे। लाइकवाइज माइनस इन्फिनिटी टू ए, ये क्या हो जाएंगे, इसके लोअर बाउंड्स, ठीक है, क्योंकि ए इसके बराबर भी हो सकता है, और या फिर ऐसा होना चाहिए एलिमेंट, जैसे माइनस टू, माइनस थ्री हमने कुछ भी ले लिया, ए माइनस वन ले लिया, तो वो इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है, डेफिनेशन से जाना है। अब हम सेट ले लेते हैं जैसे नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा, वन टू थ्री अप टू, ऐसा चलता रहेगा, तो ये क्या बाउंडेड अबव है, ये तो इनफिनाइट तक जाते जा रहा, तो ये बाउंडेड अबव तो नहीं है, ठीक है, क्या ये सेट बाउंडेड बिलो है, हाँ बाउंडेड बिलो हो सकता है, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, लास्ट सबसे छोटा एलिमेंट इसके पास क्या है, वन। अब इससे एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो इस सेट के सारे एलिमेंट उससे या फिर क्या हो, बड़े हो या फिर बराबर हो, तो हमें एक ये बाउंडेड बिलो है, अपर बाउंड, बाउंडेड अबव ही नहीं तो अपर बाउंड तो होगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा,
लोअर बाउंड में कैसे कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे बराबर हो सकते हैं यानी कि वन हो सकते हैं, या वन से जितना भी छोटा एलिमेंट है सब इसके लिए क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस इन्फिनिटी टू वन, क्योंकि इसके बीच का कोई भी एलिमेंट ले उससे ये सारे एलिमेंट्स या तो बराबर होंगे, अगर वन लेंगे तो बराबर होगा, या इसके बीच का कोई भी एलिमेंट लेंगे उससे ये सारा सेट का एलिमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो, और ये क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड इसका, ठीक है। लाइकवाइज इंटीजर्स के लिए देखते हैं, इंटीजर्स क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस टू, माइनस वन, ज़ीरो, वन, टू, ये हमारा क्या हो गया इंटीजर्स। ये दोनों साइड इन्फाइनाइट टाइम्स है, तो इसका ना लोअर बाउंड होगा ना ही अपर बाउंड होगा, ठीक है। उसी तरह रैशनल नंबर, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर मिलते हैं किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में, हमने ऐसे भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका भी ना ही ये बाउंडेड अबव है, ना ये बाउंडेड बिलो है, और ना ही इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग कॉम्प्लेक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी, उसके लिए भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है अपर बाउंड लोअर बाउंड का, ठीक है। रियल लाइन के लिए भी हम लोग सेम चीज़ देखते हैं, क्योंकि रियल लाइन का सेट ही होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो कोई लोअर बाउंड अपर बाउंड कुछ भी नहीं होगा। अब चलिए एक इंटरवल लेते हैं, एक इंटरवल अगर ले लेते हैं ज़ीरो वन, ठीक है। चलिए अब आप सेट की ऐसी बात करते हैं, एक इंटरवल ले लेते हैं ज़ीरो वन, तो ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल जाए, ठीक है, ऐसा एक एलिमेंट हमें मिल जाए जो कि ऐसा एक एलिमेंट मिल जाए जो कि अगर बाउंडेड एबव की बात कर रहे हैं तो बाउंडेड एबव में एक ऐसा हमें के मिल जाना चाहिए जिससे ये इस इंटरवल का जो सारा एलिमेंट है, इस सेट का जो सारा एलिमेंट है वो क्या हो जाए, छोटा हो। क्योंकि बाउंडेड एबव होना चाहिए तो ऐसा एलिमेंट हो कि सब छोटा हो और बाउंड करे, वो अपर बाउंड बन जाए, तो या फिर वो वन हो सकता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है जो बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो सकता है, यानी कि वन या वन से बड़ा। तो बाउंडेड एबव तो है पक्का, और वन वन से बड़ा क्या हो जाएगा, खुद वन लेंगे टू इन्फिनिटी, समझ आई बात, वन या वन से बड़ा सब इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। क्या ये बाउंडेड बिलो है, क्यों नहीं है। अगर ज़ीरो टू माइनस इन्फिनिटी ले, जीरो या जीरो से कम, तो जीरो इसके इक्वल है और ज़ीरो वन से छोटा है, तो ये उसके लिए लोअर बाउंड तो हो रहा है, यानी कि जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी के बीच जितने भी एलिमेंट्स लेंगे या तो उसके बराबर होगा या फिर छोटा होगा, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, उसके लोअर बाउंड्स। तो कितना इजी है इसको लिखना, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर वहीं आपको बात की जाए माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो के लिए, क्या ये बाउंडेड एबव है, हाँ ये बाउंडेड एबव तो है, बाउंडेड एबव है, जिसका अपर बाउंड्स क्या क्या होगा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा। तो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा कैसे लिखेंगे, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा ये अपर बाउंड हो जाएगा। क्या लोअर बाउंड है, नहीं है, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनाइट टाइम्स तक इसमें जा रहा है, तो ये इसको कोई बाउंड कर ही नहीं पाएगा, ये बाउंडेड है ही नहीं बिलो, तो इसके लोअर बाउंड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर इंटरवल में या सेट में कोई भी इन्फिनिटी या इन्फिनाइट टाइम्स का कोई साइन हो तो वो बाउंडेड ही नहीं होगा, ना ही एबव होगा, ना ही बिलो होगा, ठीक है, अगर इन्फिनिटी का साइन जिस साइड है, ठीक है, वो आपको देखना होगा। चलिए अब जैसे कुछ इस टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं, साइन एक्स, साइन एक्स इसका रेंज क्या होता है हमें सब पता है, इसका आता है माइनस वन से लेके वन तक रेंज होता है, ठीक है। आप जीरो से 90 डिग्री की बात करें, इसकी वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब इस सेट का क्या होगा अपर बाउंड, आप बताओ, वन टू इन्फिनिटी, तो ये बाउंडेड एबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, अपर बाउंड आप बताइए। चलिए मैंने आपको दिया टाइम, आप लिखो पॉज करके वीडियो को, इसका क्या हो जाएगा, वन या वन से बड़ा, जितना भी एलिमेंट है सब इसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे, और लोअर बाउंड क्या होंगे, जल्दी जल्दी बताइए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन हो जाएंगे। लाइकवाइज कॉस एक्स का भी रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन, ठीक है। टेन एक्स का क्या हो जाता है, टेन एक्स का रेंज हो जाता है पूरा रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं, पूरा रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स से लाइक करता है, ठीक है,
उसकी रेंज होती है। तो ये ना बाउंडेड एवव होगा, क्योंकि मैंने बोला है जिस साइड इन्फिनिटी का साइन मिल जाए तो आप तो वहीं समझ लेना कि उस तरफ से भी ये ना बाउंडेड बिलो है ना एवव है, तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा आपके लिए। अगर इस टाइप से कोई टर्म आपको मिल जाता है कि एक सेट एक्स स्क्वायर है इस सेट में, और वो एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, आर स्टार पे। आर स्टार का मतलब है रियल लाइन से आप जीरो को निकाल लो तो वो क्या हो जाएगा, आर स्टार हो जाएगा। अब इसमें कैसे टाइप के एलिमेंट्स होंगे, अगर आप गौर करें तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, माइनस वन टू थ्री, सबका स्क्वायर करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, वन टू थ्री, ठीक है, सॉरी वन आएगा, फोर आएगा, ठीक है, नाइन आएगा, इस टाइप से आपके सारे नंबर्स आएंगे। तो एक ऐसा एलिमेंट आपको चुनना है, अगर ये क्या है बाउंडेड, चलिए एवफ की बात कर लेते, तो बाउंडेड एवफ तो ये होगा ही नहीं कि इन्फाइनाइट टाइम्स जान रहा है, तो ये बाउंडेड एवफ तो है नहीं, तो अपर बाउंड भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बाउंडेड बिलो की, तो यहाँ पे लिस्ट नंबर क्या है, वन, तो वन हो या वन से जितना भी छोटा होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वो इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी सुप्रीमम इन्फिमम के बारे में, मैक्सिमम एलिमेंट्स और मिनिमम के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, पर और भी एग्जांपल्स से डील करना बहुत ज़रूरी है, तो एक क्लास में लूँगी जिसमें आप अपर बाउंड, लोअर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, इन सारे क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।